भारत को यानी कह रहा है कि मेरे होते हुए फायदा उठा लो, बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। यार वो तो बमूनी लगा रहे, और यार वो तुम पे थूकने को तैयार नहीं, तुम उस पे तंज कर रहे हो अपने लोगों को खुश करने के लिए। और यही नरेंद्र मोदी, यही नरेंद्र मोदी जिस वक्त चलता है आपके घर में, ताशकंद से ही आ रहे थे, ताशकंद और काबुल और फिर उसके बाद लाहौर आता है, हमारी इज्जत करता है। खान जिस मगरब और मगरबी मीडिया के गुण गा रहे हैं, वो मगरबी मीडिया तो खुद उनके बारे में बहुत कुछ रिपोर्ट कर चुका है। मेरे सामने इस वक्त एक नहीं, ये मेरे सामने इस वक्त पलंदा है उन अखबारों की रिपोर्ट्स का जिसमें वजीर आजम साहब के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी निजी जाती जिंदगी के बारे में बहुत कुछ छपा, और ऐसा भी छपा है जो कि मैं यहां पर आपको रिपोर्ट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। एक किताब आ रही है, एक और नहीं, एक तो है आप जानते हैं रेहाम खान की किताब जो कि इतनी मशहूर, और वो आए और उसके बाद बहुत हैप्पी वापस गए। नतीजा क्या हुआ? पठानकोट। इस पर अब हम यूरोप का प्रेशर भी देख रहे हैं पाकिस्तान पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी उसको उसने खड़े होके जाती तौर पे जिस तरह वो गली के थड़े पे लोग खड़े होके आवाजें कस रहे होते हैं, तो मतलब बहुत हैरानी होती है, बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है ये सुन के कि आपकी कैबिनेट में एक भी नॉन मुस्लिम, एक भी गैर मुस्लिम मेंबर नहीं है। यार इतनी उसने आपको इज्जत दी अपने प्रोटोकॉल वालों के खिलाफ, उस सबको चैलेंज करके वो आके खड़ा हो गया। ये गैर मामूली लोग होते हैं इस तरह के लोग, ये शादी उसको उसने खड़े होके जाती तौर पर जिस तरह वो गली के थड़े पे लोग खड़े होके आवाजें कस रहे होते हैं, इसने उस तरह से आवाजें कसी है नरेंद्र मोदी पे। वो एक फासिस्ट है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, ये यार गलत बात पब्लिक करते हो। जब वो आके तुम्हारा फोन नहीं सुनता, पहले तो मुझसे ट्राई करते हो, बाद में इसे भी पब्लिक कर देते हो। ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 27 फरवरी को जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये ऑफर कर रहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं, मैं डायलॉग पर यकीन रखता हूं, मैं दोस्ती पर यकीन रखता हूं, भारत को चाहिए कि मुझसे बात कर ले। ये नहीं कि पाकिस्तान दोस्ती पर यकीन रखता है, पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है, पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, नहीं, मैं ये चाहता हूं, ठीक है, और यानी मेरे होते हुए फायदा उठा लो, भारत को मेरे से जाता कोई नहीं है, भारत को यानी कह रहा है कि मेरे होते हुए फायदा उठा लो, बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। यार वो तो बमूनी लगा रहे। उसके बाद तुम कह रहे हो, रो रहे हो, ये टीम का लीडर ये कह रहा है और उसी का वजीर खारजा जो आप बता रही है वो ये कह रहा है कि अब नहीं है साड़ियों वाले, और यार वो तुम पे थूकने को तैयार नहीं, तुम उस पर तंज कर रहे हो अपने लोगों को खुश करने के लिए। और यही नरेंद्र मोदी जिस वक्त चलता है आपके घर में, ताशकंद से ही आ रहे थे, ताशकंद और काबुल और फिर उसके बाद लाहौर आता है, हमारी इज्जत करता है। और आपसे गुजारिश करूं कि नरेंद्र मोदी का अपना इंटरव्यू आपने देख रखा होगा यूट्यूब पर, जिस पर उसने एक्सप्लेन किया कि मैं जब लाहौर गया था तो मुझे मेरे प्रोटोकॉल वालों ने कहा कि इनके हेलीकॉप्टर पर मत बैठो। वो कहता है कि जब मैं आ रहा था तो मैंने, हमने इस्लामाबाद रुकना था तो पता चला कि उनकी तो वो लाहौर में है, हमें ये जवाब मिला, तो मैंने कहा कि लाहौर चलते हैं, आओ लाहौर चलते हैं, कोई बात नहीं, मियां साहब को मिलकर जाएंगे। तो फिर हमने कहा कि हम आ रहे हैं लाहौर, तो वो कहता है इस्लामाबाद की वजह हम लाहौर चले गए। लाहौर उतरे तो वहां पे पाकिस्तान वालों ने हमें कहा कि एयरपोर्ट से रायबंड ले जाने के लिए वो आपके लिए सेफ नहीं होगा, तो हमने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। तो मेरे प्रोटोकॉल वालों ने, ये मोदी कह रहा है कि मेरे